हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे आईपीएल 2020 के 10 सबसे युवा क्रिकेटर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, और उनमें से 5 ऐसे क्रिकेटर है जिसका नाम सुनकर आप चौंक जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा बहुत सारे क्रिकेटर बहुत ही कम उम्र में सफलता पाए हैं, लेकिन इतने कम उम्र में सफलता पाने वाले यह 5 क्रिकेटर आपको भी चौंका देंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको 10 ऐसे क्रिकेटर के बारे में बताएंगे जो आईपीएल 2020 में सबसे युवा है। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों नंबर 9 पे बात करते हैं अभिषेक शर्मा के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अभिषेक शर्मा दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलते हैं और दोस्तों इसका एज अभी मात्र 20 ईयर्स है। जी हाँ दोस्तों, 20 ईयर्स मात्र। दोस्तों नंबर 8 पे बात करते हैं सरफराज खान। दोस्तों सरफराज खान एक समय बहुत ही चर्चे में आए थे, बहुत ही ज़्यादा सफलता उन्होंने पाई थी और दोस्तों अभी वो करेंटली किंग्स 11 पंजाब के लिए अपना आईपीएल मैच खेलते हैं और दोस्तों अभी इसकी उम्र मात्र 22 ईयर्स है, मात्र 22 साल है। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, आप भी चौंक गए होंगे या सुनकर, मात्र 22 ईयर्स सरफराज खान का ये रियल एज है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं नंबर 7 पे। दोस्तों नंबर 7 पे आते हैं रियान पराग, जो कि राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हैं, बहुत सारे लोग जानते भी होंगे और दोस्तों इनका एज है मात्र 18 वर्ष या उससे भी शौकीन, क्योंकि पिछले साल रियान पराग बहुत ही चले थे और इसका नाम काफ़ी ऊपर आया था, लोग समझ रहे थे ये बहुत ही एज के खिलाड़ी हैं, लेकिन दोस्तों यह मात्र 18 साल के खिलाड़ी हैं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब बात करते हैं नंबर 6 पे। दोस्तों नंबर 6 पे आते हैं मुजीबुर रहमान, जो कि अफगानिस्तान के हैं और दोस्तों वो आईपीएल में किंग्स 11 पंजाब के लिए खेलते हैं और दोस्तों अभी इसकी एज मात्र 19 साल हुई है। दोस्तों कैसा लगा आपको मुजीबुर रहमान का एज, शॉकिंग था या नहीं, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। अब दोस्तों बात करते हैं नंबर 5 पे। दोस्तों प्रयास राय बर्मन जी, और दोस्तों जो कि आरसीबी के लिए खेलते हैं और दोस्तों अभी इसका एज ओनली 17 साल है। दोस्तों नंबर 4 पे बात करते हैं विराट सिंह के बारे में, जो कि सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेलते हैं और दोस्तों वो अभी मात्र 22 ईयर्स के हैं और दोस्तों उसको इसी साल सनराइजर्स हैदराबाद ने 1.9 करोड़ रुपये में अपनी टीम में शामिल किया था। अब दोस्तों बात कर लेते हैं नंबर 3 पे प्रियम गर्ग, वो भी सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेलते हैं और दोस्तों इसका एज मात्र 20 साल है और इसे भी 1.9 करोड़ रुपये में सनराइजर्स हैदराबाद ने इसी साल खरीदा था। दोस्तों नंबर 2 पे रवि बिश्नोई, किंग्स 11 पंजाब के लिए खेलने वाले रवि बिश्नोई अभी मात्र 20 साल के हैं और दोस्तों रवि बिश्नोई को भी इसी साल किंग्स 11 पंजाब ने 2 करोड़ रुपये में अपनी टीम में शामिल किया था। अब दोस्तों बात कर लेते हैं नंबर 1 पे यशस्वी जायसवाल। जी हाँ दोस्तों, यशस्वी जायसवाल जिसे आप बहुत ही ज़्यादा सुन चुके हैं चुके होंगे और बहुत ही ज़्यादा यह चर्चे में आए थे एक समय में और अभी भी है और दोस्तों इसकी एज मात्र अभी 19 साल हो रही है ना सुखिंग। दोस्तों इतनी कामयाबी पाने के बाद भी यह सिर्फ 19 साल का है और दोस्तों इसको इसी साल राजस्थान रॉयल्स ने खरीदा था 2.4 करोड़ में। दोस्तों आपका इन सब में कौन सा फेवरेट है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।